गाइस, गेम्स एक ऐसा चीज है जो हम सभी खेलना बहुत ही पसंद करते हैं एंड पैसा ऐसा एक चीज है जो हम सभी को जरूरत है। तो नोस्टा प्रो पावर्ड बाय पेटीएम इस ऐप के अंदर ऐसे ऐसे करके गेम्स का आंसर देके रियल मनी अर्न करके पेटीएम एंड बैंक के थ्रू विथड्रॉ कर सकते हो एंड इस ऐप को डाउनलोड करने के साथ साथ 40 रुपीज मिलता है। Hey, what's up guys? Welcome to my YouTube channel, IT Creator. So guys, today in this video, I will show you 5 amazing robotic gadgets invention. तो ये सभी गैजेट को बनाया गया है एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसके बारे में आप डिटेल्स में जान के सोचोगे काश मेरे पास भी ऐसा एक गैजेट होता। एंड ये 5 गैजेट के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सभी गैजेट के बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और IT Creators YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, आगे ऐसे गैजेट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। 5 फ्लाईबोट एयर। गाइज, हॉलीवुड मूवीज में हम सभी देख चुके हैं हमारा फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन को, जो एक टाइटेनियम का सूट को पहन के आसमान में उड़ सकता है। तो ऐसे साइंस फिक्शन मूवीज को देख के हम सोचते हैं कश मैं भी ऐसे आसमान में उड़ पाता। तो आयरन मैन के जैसा सूट को पहन के उड़ने वाला साइंस फिक्शन को भी रियल लाइफ में इन्वेंट करा गया है, जो सूट को पहन के अब रियली में आसमान में उड़ सकते हो। सो गाइज, इंट्रोड्यूसिंग फ्लाईबोट एयर द फ्लाइंग जेट सूट। तो ये फ्लाइंग बोट में कुछ अमेजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करा गया है, जिसके मदद से आप 200 किलोमीटर हवर स्पीड में उड़ पाओगे एंड इस फ्लाइंग जेट सूट को पहन के अप टू 150 मीटर ऊपर तक उड़ पाओगे, जो अप टू 200 केजी वेट तक लेके कैरी कर सकता है। तो गाइस, अभी थोड़ा देख लो ये फ्लाइंग जेट सूट को पहन के कैसे फ्लाइंग करा जाता है। तो इस सूट को पहन के उड़ने के लिए इसका मेन इंजन को आपका पाव के साथ सेट करना है। देन इंजन को फ्यूल से चलाने के लिए फ्यूल बैग को आपका पीठ में लेना है। देन इंजन को स्टार्ट करके इस फ्लाइंग जेट के मदद से आप 30 मिनट्स तक आसमान में उड़ पाओगे। तो इस फ्लाइंग बोट में बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी का सेंसर को काम में लिया गया है, जिसके मदद से किसी भी हैंडल के बिना इस जेट सूट को कंट्रोल करके इधर उधर टर्न ले पाओगे। एंड गाइस, ये जेट सूट का टोटल वेट है 24 केजी, जो केरोसिन फ्यूल को बर्न करके फायर थ्रस्ट जनरेट करता है। तो गाइस, ये फ्लाईबोट जेट सूट को आपको अमेजिंग लगा तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर करना। 4 हेक्स H2O ड्रोन। गाइस, नॉर्मली ड्रोन्स को हम सभी तो काम में लेते हैं आसमान में उड़ा के अमेजिंग सिनेमैटिक फोटोग्राफी करने के लिए एंड फ्लाइंग स्टंट करा के टाइम पास करने के लिए। बट एक ड्रोन को आसमान में उड़ा के फोटोग्राफी करने के साथ साथ पानी में लैंड करके सबमरीन के जैसा यूज करके अंडर वाटर फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे। तो अमेरिका का कुछ ड्रोन इन्वेंटर ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सोच के ऐसा एक अमेजिंग ड्रोन को इन्वेंट करे है, जिसको आसमान में उड़ा के फोटोग्राफी करने के साथ साथ किसी भी लेक या सी वाटर में लैंड करा के सबमरीन के जैसा करके अंडर वाटर फोटोग्राफी कर सकता है। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग हेक्स H2O ड्रोन। तो इस ड्रोन में आपको मिलेगा कुछ अमेजिंग फीचर, जैसे कि इस ड्रोन को बनाया गया है टोटली वाटरप्रूफ एंड इसके अंदर यूज करा गया है 3-axis एक्शन कैमरा गिम्बल, जिसमें आप किसी भी ब्रांड का अलग अलग एक्शन कैमरा लगा सकते हो, जिसके मदद से आप इस ड्रोन को यूज करके 4K क्वालिटी में 2-in-1 वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। 3 वेक्टर स्मार्ट रोबोट। गाइस, नाउडेज में ऐसे ऐसे हेल्पफुल गैजेट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी डिवाइस का इन्वेंशन हो चुका है, जिसको हम यूज करके हमारा एवरीडे लाइफ का किसी भी काम को बहुत ही इजीली कर सकते हैं एंड हमारा काम को और भी इजी बनाने के लिए AI रोबोट का इन्वेंशन करा जा रहा है। तो नॉर्मली एक काम करने वाला AI रोबोट का साइज बहुत ही बड़ा होते है, बट आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक मिनी AI रोबोट जिसको आप आपका फ्रेंड बना सकते हो। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग वेक्टर द स्मार्ट AI रोबोट। तो इस मिनी रोबोट में यूज करा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से इसको चलाने के लिए कोई भी रिमोट कंट्रोलर का जरूरत नहीं पड़ता है। ये रोबोट आपका एक्टिविटी को देख के खुद ही सब कुछ सीख लेता है एंड इसको जब चार्जिंग का जरूरत पड़ता है, खुद ही वायरलेस चार्जिंग डॉक में जाके ये रोबोट अपने आप को चार्ज कर लेता है। 2 स्पाइडर मशीन। गाइस, हमारा घर का गार्डन या प्लेग्राउंड को क्लीन करके रखने के लिए घास को काटना बहुत ही जरूरी होता है, बट हमारा प्लेग्राउंड या गार्डन का घास को हर वीक में काटना पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज एक ग्रास कटर को लेके पूरा ग्राउंड का घास को काटने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ इन्वेंटर ऐसा एक रोबोटिक गैजेट का इन्वेंशन करा है, जिसको यूज करके आप रिमोट कंट्रोलर के मदद से गार्डन या प्लेग्राउंड का घास को बहुत ही फास्टली काट सकते हो। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग स्पाइडर द ग्रास कटिंग मशीन। तो ये
मशीन में आपको मिलेगा बहुत सारा अमेजिंग फीचर, जैसे कि इसके नीचे में यूज करा गया है 123 सेमी का मूविंग ब्लेड, जिसके वजह से बहुत ही वाइडली ग्रास को काटना पॉसिबल है। एंड गाइस, ये रोबोटिक कटिंग मशीन को आप 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चला सकते हो, जिससे एक बड़ा प्लेग्राउंड का ग्रास को कुछ ही मिनटों में काटना पॉसिबल है। 1. Skydio R1। हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज से लेके किसी भी वीडियोग्राफी एंड एक्शन स्टंट को रिकॉर्डिंग करने के लिए काम में लिया जाता है ड्रोन्स का। बट कुछ मूवीज का परफेक्ट शॉट एंड परफेक्ट एक्शन स्टंट को करेक्ट टाइमिंग करके ड्रोन से रिकॉर्डिंग करने के लिए ड्रोन को कंट्रोल करना बहुत ही टफ है। जैसे कि बाइक राइडिंग करने का टाइम एक ड्रोन को बाइक के साथ हर एक टर्न में घुमाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे ही इम्पॉसिबल स्टंट को रिकॉर्डिंग करने के लिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक अमेजिंग ड्रोन, जिसको चलाने के लिए कोई भी रिमोट कंट्रोलर का जरूरत नहीं पड़ता है। So guys, introducing Skydio R1 self-control drone। तो इस ड्रोन में आपको मिलेगा बहुत सारा अमेजिंग फीचर, जैसे कि इस ड्रोन में यूज करा गया है 8 कैमरा एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। तो ड्रोन का सामने में मिलेगा एक 4K अल्ट्रा HD प्राइमरी कैमरा एंड बाकी 7 कैमरा का ड्रोन का साइड में दिया गया है, जिसके वजह से ये ड्रोन एक 3D इमेज रेडी करके सेल्फ फ्लाइंग कर सकता है। सो गाइज, ये अमेजिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, एंड मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे डैसिंग लगा। और ये वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करके अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो। तो स्क्रीन में मेरा प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करके IT क्रिएटर्स YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड स्क्रीन का A2 वीडियोस को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड टाटा टेक केयर।